गैरसैंण को लेकर जहां एक तरफ आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अब उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर सरकार से गैरसैंण में बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीदने की अनुमति देने का विरोध किया। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है, ये एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया है। साथ ही सरकार ने कैबिनेट में बाहरी व्यक्तियों को जमीन खरीदने की अनुमति दे दी है, जिसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज जो राज्य की जिस लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, लड़ाई हुई, जो भी मतलब इस राज्य की जो अवधारणा थी, आज उसको वर्तमान शासन पूरी तरह से ख़त्म करने पर तुला हुआ है और उसी का ये उदाहरण है। ये उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जहाँ केवल एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति को 250 मीटर जमीन खरीदने की छूट दी गई थी, वहाँ आज सैकड़ों एकड़ बीघे, ये मतलब पूरी ज़मीन को कितना भी खरीद लें, ये छूट दे दी गई है। और ये छूट अगर दे दी गई है तो निश्चित मानिए इसमें हिंदुस्तान के माफिया और विश्व के जो है पूंजीपति, इन लोगों का डेरा बनेगा, क्योंकि वो मुँह मांगे दाम दे करके खरीदेंगे और वो आकर के यहाँ पर रहेंगे। तो अगर उन्होंने ही यहाँ बसना था तो फिर इस राज्य की लड़ाई लड़ने का क्या